हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तैयब शाहिद और आज की ये न्यू वीडियो है DSLR के बारे में कि हाउ टू यूज़ DSLR। काफ़ी लोगों के इस बारे में मिसकंसेप्शंस हैं कि अगर कैमरा अच्छा होगा तो पिक्चर आपकी अच्छी आएगी, लेकिन ये बात सच नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पिक्चर अच्छी लेने के लिए आपके पास जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए वो आपका स्किल्स हैं, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कैमरा सेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए और जो लास्ट चीज़ है वो आपका मॉडल भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह का मॉडल ना हो, इस तरह का हो। हाँ, तो कैमरा सेटिंग जो कैमरे के लिए ज़रूरी हैं, जो एक कॉमन कैमरे में यूज़ हो सकती हैं, जो मेरे पास कैमरा है वो 700D है कैनन का, तो मैं आपको कैनन की ही सेटिंग्स बता सकता हूँ, नाइकन की नहीं बता सकता। तो जिनके पास नाइकन का कैमरा है वो भी वीडियो आने वाली है जल्दी, तो आप कैनन को कॉपी कर लें पहले। जो सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊँगा आपने वही सेटिंग्स करनी है अपने कैमरे में एक अच्छी पिक्चर के लिए। तो मेरे कैमरे में आपको दिखाऊँगा कि आपने क्या सेटिंग करनी है और मैं आपको उसी सेटिंग पर उसी कैमरे से शूट भी करके दिखाऊँगा। तो चलते हैं कैमरे की तरफ। तो गाइज़, मेरा ये जो कैमरा है इसमें मैंने अपनी सेटिंग्स कर ली हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे धूप ज़्यादा है तो जो हम ISO है वो हम रखेंगे मिनिमम, यानी कि 100 कर देंगे। उसके अलावा आपका जो है अपर्चर वो होगा 1.8। पीछे बैकग्राउंड ब्लर अगर आप चाहते हैं तो आपको जो है अपर्चर जो है 1.8 रखना पड़ेगा। और जो शटर स्पीड है वो हमने 400 रख दिया, आप 500 भी रख सकते हैं, ठीक है, 400 से 500 तक ठीक रहेगी। तो अब आपको कुछ शॉट्स लेके दिखाते हैं। उसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो है पिक्चर प्रोफाइल। अच्छा, तो पिक्चर प्रोफाइल पे जाना है आपने मेन्यू, ये आपका लास्ट पिक्चर प्रोफाइल है, ओपन किया, यहाँ पे ऑटो होगा, आपने इसको स्टैंडर्ड पर करके अपना इन्फो का बटन दबाना है। यहाँ से शार्पनेस कंट्रास्ट आपने ज़्यादा कर देना है, सैचुरेशन भी ज़्यादा कर देनी है। तो ये सेटिंग्स हो गई आपकी। तो गाइस, ये थी कुछ पिक्चर्स रिसेंट शूट की। हाँ, तो जो मेन चीज़ें आपने फोकस में रखनी है वो तो आपका एक कैमरा सेटिंग होगी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी अपने कैमरा में। दूसरा आपका लोकेशन डिपेंड करती है, अभी हम जिस वक्त जिस लोकेशन पे वो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है, आप कमेंट करके गैस कर लो। अगर आप लाहौर की हो तो आप गैस कर सकते हो कौन सी लोकेशन है। दूसरी चीज़ आपकी लोकेशन आ गई। तीसरी आपके एक्सप्रेशन जो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, तो एक्सप्रेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो गाइस, मेरा जो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है वो 4 से 5 साल का होने वाला है, उसी के बेस पे मैं आपको ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह DSLR के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको शटर स्पीड के बारे में जानना है, अपर्चर के बारे में जानना है, ऐसे के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पर बना दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताओ आपको अगला नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चाहिए। अल्लाह हाफिज़।